हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप यूट्यूब। जी जनाब, डे टू का आगाज़ आज हो चुका है ज़बरदस्त नाश्ते के साथ। और इस वक्त पराठे और ऑमलेट जो हैं फ्रेंड ने बना के मेरे लिए रख दिए हैं, फ्रूट्स हैं और जूस है, ज़बरदस्ती चाय जो है वो ऑन इट्स वे थी। तो बेसिकली इस वक्त हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और नाश्ते की कर रहे हैं तैयारी। और नाश्ता करने के बाद मैंने किया है बच्चों को रेडी। अजर एज़ यूजुअल जो है वो बॉदर्ड है कि मैं उसको क्यों फ़िल्म कर रही हूँ, कह रहे मामा प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाए। और जज़ा जो है वो बैठी हुई पोज कर रही है। और इसी दौरान जो है वो मोहम्मद अली भी तैयार होकर आ गया, तो मैंने फिर बच्चों का छोटा मोटा फ़ोटो सेशन किया क्योंकि ये रेडी हो चुके थे। और उसके बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर। और ये मुर्गा देख के मैंने फ़ौरन ही इसकी वीडियो बनाई, बच्चे बड़े शौक से इसको देख रहे थे। अच्छा, आज है फ्राइडे का दिन और अब ऑलमोस्ट जुमे का वक्त होने वाला था, तो हम लोगों ने एक ही बड़ी कार निकाली है आज। और इसमें हम लोग जो है चल पड़े हैं बादशाही मॉस्क की तरफ। यहाँ पे हम लोग जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जुमे की नमाज़। जब तक ये रास्ता कवर होता है मैं थोड़ी सी आप लोगों को इस मॉस्क के बारे में हिस्ट्री बता देती हूँ। ये शहनशाह औरंगज़ेब ने 1671 में तामीर करना स्टार्ट करवाई और 2 साल के अंदर अंदर इसकी तामीर कंप्लीट हो गई, यानी 1673 में ये मस्जिद जो है वो कम्प्लीटली रेडी थी। और इस ये मॉस जो है ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के अंदर वाक़े है, जो कि अंदरून लाहौर भी कहलाता है। और इस वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर में और भी काफ़ी सारी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जो कि आगे ब्लॉग में मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ। स्टे ट्यून ज़रूर रहिएगा। हिस्ट्री बताते बताते मैं पहुंच चुकी हूं पार्क के अंदर, जिसके अंदर जो है इसके विदिन जो है वो बादशाही मॉस्क वाक़े है। तो शुरू शुरू में ये पार्क जो है एंट्री के बिल्कुल पास बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा भी बहुत है। क्योंकि ये पार्क काफ़ी बड़ा है और अगर वॉक करके जाते तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाना था और हमारा जुमा भी निकला जा रहा था, तो हमने ये स्ट्रीट कार हायर की जिसमें बच्चे तो बड़े मज़े से बैठ गए हैं और हम भी इसमें बैठे हैं। और ये अब हमें लेके चल पड़ी है बादशाही मॉस्क की तरफ। इसमें बैठने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हम मस्जिद में कम अज़ कम मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगे होंगे और हम इसमें पहुँच गए। तो ये रिकमेंडेड है, अगर आप चलना ना पसंद करें तो आप ये हायर कर सकते हैं। पर बंदा जो है वो 100 रुपया लगता है और ये कार्ड, ये स्ट्रीट कार जो है ये आपको पहुंचा देती है जहां पे भी आप जाना चाहें। अच्छा जी, अब ये बादशाही मॉस्क की मेन एंट्रेंस है, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। आसपास जो है वो तमाम स्टॉल्स खाने पीने के लगे हुए थे, जिनको देख के मेरे मुंह में सख्त पानी आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर है मुझे अपना पेट बहुत अजीज़ है तो मैंने इनको हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं की। तो वैसे भी इस वक्त तो खैर हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सही रौनक मिला होता है क्योंकि जुमे का टाइम भी है और ये है भी बादशाही मॉस्क, तो लोग तो यहाँ पे इसको नज़ारा करने के लिए भी इसका आते हैं। तो इस वक्त जो है हम बस ये स्टेयर्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों के पास ही हमने अपने शूज़ उतार दिए, वहाँ पे उन शूज़ को जो है वो चेक इन किया क्योंकि ये मस्जिद का एरिया भी स्टार्ट हो जाता है, तो हर जगह जो है ये सिक्योरिटी स्कैनर्स लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मस्जिद का मेन एंट्री गेट है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल गई बिल्कुल, लेकिन यहाँ से हम एंटर हुए और अब आ गई है बादशाही मस्जिद। एंटर होते ही जैसा कि आपने देखा एक ब्यूटीफुल व्यू बिल्कुल सामने ही आपको आंखों के अपने मस्जिद का नज़र आता है, फिर मस्जिद के मीनार एंड गुंबद बहुत ही वो हसीन लगता है। ये 360 भी आप लोग ज़रूर देखिए। ये मस्जिद बाय द वे मुग़ल एरा की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान में ओवरऑल जो है ये सेकेंड बिगेस्ट मॉस्क कंसिडर की जाती है। अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो लेडीज़ सेक्शन की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ का इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने के लिए।
मस्जिद के अंदर एंटर जैसे ही हम हुए हैं तो इंटरेस्टिंग जो हमें सीन देखने को मिला वो देखने को मिली दुल्हने और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी तैयार हुए हुए लोग। तो मुझे तो समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्योंकि ये बादशाही मॉस्क है और आज जुमे का दिन है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना निकाह पढ़वाने के लिए आते हैं। तो इस वक्त ये दो ब्राइड्स आई हुई हैं अपना निकाह पढ़वाने के लिए और इनके साथ इनकी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं जो कि पूरी पूरी तैयार हैं। पहले यहाँ पे निकाह पढ़वाया जाता है, उसके बाद इनकी बाकी की सेरेमनी उधर ही होती होगी जिधर ये अपना वेन्यू डिसाइड करते होंगे। दुल्हनों का नज़ारा करते करते और ये तमाम चीज़ें करते करते हो गया है जोहर की अजान का वक्त। बहरहाल अब हम नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए और ये दूर से एक और एक बिल्डिंग थी जहाँ से मीनारे पाकिस्तान का व्यू हमें नज़र आ रहा था। तो बच्चे देख के इसको बहुत खुश हुए और फिर हमने इनकी वो जो टिपिकल ट्रिक वाली तस्वीरें होती हैं वो भी ली। मैंने अजर की ली और साथ में है मोहम्मद अली तो उसकी भी ली। जजा को ये नहीं करना आया तो उसके साथ तो मैंने बॉर्डर ही नहीं किया, मैंने कहा ये तो टाइम ज़ाया करवा देगी। जुमे की नमाज़ अदा करते ही हम लोग आ गए देखने के लिए तबरकात मुक़दसा और यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और मैं जितना अदब से इस चीज़ को बोल सकती हूँ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं गुस्ताखी हो तो माफ़ी। मुए मुबारक मौजूद है, अमामा मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ़ मौजूद था वहाँ पे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं और देख के उनको काफ़ी एक अजीब सी फीलिंग आई कि हमारे रसूल और हमारे सहाबा कराम जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, इनको पहना करते थे, इनको ज़ेबतन किया करते थे। तो ये एक ऑनर था देखना हमारे लिए। यहाँ पे मूवी बनाना बाय द वे अलाउड नहीं था लेकिन मैंने चुपके चुपके इसको फ़िल्म कर लिया, मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि अब मस्जिद की बाउंड्री से बाहर आ चुके थे तो अब हम लोगों ने पहन लिए हैं जूते, बच्चे भी अपने शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा था अल्लामा इकबाल की कब्र और वहाँ पे जाके हमने फातिहा वगैरह पढ़ी। उसके बाद हम बढ़ गए आगे बाकी की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो उन पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।